हमने अभी तक क्या किया? अगर हम बात करते हैं ओनली रेजिस्टर की, ओनली रेजिस्टेंस के अंदर, ओनली रेजिस्टेंस के अंदर एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या था? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओनली इंडक्टर के अंदर या ओनली कैपेसिटर के अंदर एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था? जीरो। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था? जीरो। ठीक है, और एल सी आर सीरीज के अंदर एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था? ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई। और ये भी बता दूं, कॉस फाई का नाम क्या था? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, अगर ये फाई और इसमें ये आर है, ये जेड है, अगर आपको याद हो एलसीआर के अंदर ये था, तो इम्पीडेंस ट्राइंगल से पावर फैक्टर निकालने का के दो तरीके हैं। ज़्यादातर यही तरीका यूज़ होता है, आर डिवाइडेड बाय जेड। पावर फैक्टर ऐसे निकलेगा, और पावर फैक्टर ऐसे भी निकल सकता है, पावर फैक्टर ऐसे भी निकल सकता है एलसीआर के अंदर। अगर आपको याद हो हमने टेन फाइव का फॉर्मूला भी किया था, क्या किया था? एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर। अगर आप किसी भी तरीके से टेन फाइव निकाल लें, फिर टेन फाइव से राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस फाइव तो निकल ही आएगा, तो भी पावर फैक्टर आ जाएगा। पावर फैक्टर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। एक और चीज़ सुनो, रेजोनेंस अगर हम वर्ड यूज़ करें, कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला रेजोनेंस को कैसे, मतलब रेजोनेंस का क्वेश्चन कैसे आता है कि क्वेश्चन पूछने वाला ये बता सके कि रेजोनेंस का क्वेश्चन है? या तो वो मेंशन कर देगा कि रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस का मतलब क्या हिंट दिया था? एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, करना तो यही है एंड में। दूसरा हिंट क्या था रेजोनेंस के अंदर? कि करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, तो भी रेजोनेंस है। तीसरा हिंट क्या था? इम्पीडेंस क्या हो जाएगी? मिनिमम, तो भी रेजोनेंस है। और इम्पीडेंस मिनिमम कितनी हो जाएगी? जेड इज इक्वल टू आर, यानी कि तो भी रेजोनेंस है। एक और हिंट सुन लो, अगर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर वन है, यानी कि कॉस फाई वन है, तो फाई क्या है? जीरो। तो कॉस फाई होता क्या है? आर बाय जेड इज इक्वल टू वन है, तो जेड ऑटोमेटिकली फिर से किसके इक्वल आ गया? आर के। तो फिर से एक बार क्या हो गई? रेजोनेंस। तो अगर पावर फैक्टर वन है तो भी समझो वो न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बताने के तरीके देखें कितने हैं, आपको कोई ना कोई फॉर्म में क्वेश्चन तो आ ही जाना रेजोनेंस का। हाँ, ये मुझे पता है वो रेजोनेंस वर्ड चाहे यूज ना करे, लेकिन ये सारी बातें यूज करेगा। पावर फैक्टर वन है, जेड आर के इक्वल है, जेड मिनिमम है, कुछ भी यूज करेगा, सब रेजोनेंस है, एक्स एल एक्स सी के इक्वल रहेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बेस पे फिर हम क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर वन, देखें क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एन एम मीटर शोज दैट ऑल्टरनेटर डिलीवरिंग 20 एम्पियर, मतलब करंट ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग करंट है, आई आर एम एस गिवन है 20। वोल्ट मीटर रीड्स क्या गिवन है? ई आर एम एस गिवन है 220। वाइल वॉट मीटर री शोज, वॉट मीटर का मतलब है कि ट्रू पावर, ट्रू पावर जो एक्चुअल पावर है, या एवरेज पावर ऐसे बोलो, एवरेज पावर 4 किलोवाट है। हमने क्या किया था? एवरेज पावर का फॉर्मूला किया था ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो ये कॉस फाई का मतलब क्या है? पावर फैक्टर। तो आपको ट्रू पावर या एवरेज पावर की वैल्यू वॉट मीटर देगा आपको
जो कि कितनी है, 4 × 10³ ई आर एम एस 220, आई आर एम एस की वैल्यू 20, यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा cos phi, तो यहाँ से cos phi कैन बी कैलकुलेटेड, cos phi इज पावर फैक्टर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। क्या क्वेश्चन में गिवन है, एक सर्किट के अंदर क्या गिवन है, एल गिवन है, सी गिवन है, सीरीज में गिवन है, एलसी है, ई आरएमएस गिवन है, और ये ओमेगा है, रेडियंस पर सेकंड क्या होता है ओमेगा, एंड रेजिस्टेंस नेगलिजिबल है, तो आर की वैल्यू इसमें क्या है जीरो है। ऑब्टेन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, देखो जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है वो क्या होगी, ई आरएमएस डिवाइडेड बाय जेड, ई आरएमएस कितना है 240 डिवाइडेड बाय जेड। अब जेड इस क्वेश्चन में क्या है, वैसे एलसीआर में जो जेड होता है वो ये होता है, पर हमारे इस क्वेश्चन में आर तो नेगलेक्टेड है, छोड़ दिया, तो फिर जेड में क्या आएगा, एक्स एल माइनस एक्स ई स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, एल ओमेगा माइनस वन बाय सी ओमेगा। अब आपको एल पता है, सी पता है, ओमेगा पता है, तो यहाँ से जेड आ जाएगा, तो आई आर एम एस आ जाएगा। वॉट इज द टोटल एवरेज पावर, तो इस क्वेश्चन में जो एवरेज पावर है वो क्या आएगी, ई आर एम एस आई आर एम एस इन टू कॉस ऑफ फाइव, तो ई आर एम एस की जो वैल्यू है, नहीं मैं सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, ये तो रजिस्टर तो है ही नहीं इसमें, और इंडक्टर में एवरेज पावर क्या होती है जीरो, कैपेसिटर में क्या होती है जीरो, तो सॉल्व क्यों कर रहे हैं, डन, आंसर इज जीरो, तो एवरेज पावर इंडक्टर और कैपेसिटर तो वैसे ही जीरो होती है, तो ओवरऑल भी जीरो। ठीक, नेक्स्ट, देखो क्या क्वेश्चन है, एन ए सी सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, आर गिवन है, एल गिवन है, ई आर एम एस गिवन है, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, कैलकुलेट करंट एंड पावर फैक्टर। तो देखो पहले एक काम करना पड़ेगा, अगर आपको वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है तो कौन सा करंट निकालना है, आई आर एम एस, जो कि क्या होगा ई आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस क्या है 250 डिवाइडेड बाई जेड। अब जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, सी तो है ही नहीं इसमें, एक्स एल का मतलब एल ओमेगा, एक आंसर आ जाएगा, तो जेड निकाल के आंसर आ गया।
फिर क्या निकालना है, पावर फैक्टर। बोलो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या यूज करें, आर बाय जेड। तो अल्टीमेटली आपको जेड तो निकालना ही पड़ेगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि किसमें क्या वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है? ठीक, नेक्स्ट थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर। कैलकुलेट करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट एज शोन। क्या गिवन है, आर एल सी ई आर एम एस और फ्रीक्वेंसी। सेम क्वेश्चन है, आई आर एम एस विल बी इक्वल टू व्हाट, ई आर एम एस, जो कि गिवन है बाय जेड। अब जेड इस क्वेश्चन में क्योंकि आर भी है, क्योंकि एक्स एल भी है, क्योंकि एक्स सी भी है, तो पुट करके आंसर जेड की वैल्यू आ गई इसमें। तो ई आर एम एस आ गया, जेड आ गया, और क्या निकालना है, पावर फैक्टर में क्या होगा, कॉस फाइ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय जेड, आंसर। तो क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन है, उसमें सी नहीं था, उसमें एक कॉम्पोनेंट नहीं था, इसमें एल सी आर तीनों में सेम है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है, इस सर्किट में देखो क्या गिवन है, वी आर गिवन है, वी सी गिवन है और वी एल गिवन है, तीनों में वोल्टेजेस गिवन है। क्या निकालना है, फाइंड ईएमएफ ऑफ दी सोर्स। देखो जो सोर्स है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, नेट ईएमएफ कितनी दी गई। तो देखो वैसे तो साइनोसाइडल है, साइन की फॉर्म में है, पर हम साइन की फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे क्योंकि वो हमें एक इंस्टेंट वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू दे रहा है, एक तरीके की एक एवरेज वैल्यू दे रहा है तीनों में, हम आंसर भी एवरेज की फॉर्म में देंगे। तो जो नेट वोल्टेज होगी वो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ये पहला आंसर आ जाएगा नेट वोल्टेज का, तो ये आंसर आ गया एक। फिर क्या निकालना है, पावर फैक्टर। अच्छा बताओ पावर फैक्टर कैसे निकलेगा, बोलो इसमें पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाय जेड। बोलो क्या करें आर बाय जेड में, ना आर है ना जेड है, देखो हम ऐसा कर सकते हैं, दो तरीके हैं। आप इसमें tan phi का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि क्या था, वी एल माइनस वी सी बाय वी आर, याद है, तीन वोल्टेजेस एक्स एल माइनस एक्स सी बाय एक्स आर, हमने एल सी आर के अंदर ये फॉर्मूला किया था। तीनों वोल्टेजेस गिवन है, यहाँ से tan phi निकालें और फिर यहाँ से cos phi निकाल लें, पहला आंसर। मेरे हिसाब से ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ना एक काम करें, आई से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स को, फर्क तो पड़ता नहीं है। तो इससे क्या होगा, cos phi विल बी इक्वल टू, ये न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, V वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, और ये क्या आ जाएगा, नेट वोल्टेज, क्योंकि Z है तो नेट वोल्टेज, तो आपको नेट वोल्टेज पता है, VR पता है, ये ज़्यादा आसान है, cos phi की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक,
क्लियर है? नेक्स्ट फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैज अ पावर रेटिंग ऑफ, तो आपको पावर रेटिंग इस क्वेश्चन में गिवन है। एसी, देखो ये टी है, टी एसी वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई पाई थ्री, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वी नॉट आ जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, ओमेगा की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या निकालना है, अफेक्टिव करंट निकालना है। अफेक्टिव करंट क्या होता है, आरएमएस करंट निकालना है, और तो कुछ नहीं है, तो आरएमएस करंट निकालना है। तो यहाँ से वी नॉट पता है, यहाँ से वी आरएमएस की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो एक आंसर आ गया। तो आरएमएस की जो वैल्यू आएगी करंट की, ये आपको निकालनी है, आरएमएस करंट आपको निकालना है, ई आरएमएस आपको पता है, पावर की वैल्यू, देखो बल्ब है, बल्ब एक रेजिस्टर पर बना होता है और कुछ नहीं होता बल्ब में, और एवरेज पावर रेजिस्टर में होती क्या है, ई आरएमएस इनटू आई आरएमएस, आपको ये निकालना है, ये आपने निकाल लिया, पावर आपको गिवन है, आई आरएमएस कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। वो कह रहे हैं कि इसमें फेज डिफरेंस भी है, तो फेज डिफरेंस होने का मतलब है कहीं ना कहीं ये ओनली रजिस्टर नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है, मेरी पूरी स्टेटमेंट सुनो फिर। अगर वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 141, या वोल्टेज की वैल्यू, वी की वैल्यू गिवन है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो रजिस्टर में करंट क्या आएगा, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन अगर आपको वोल्टेज की वैल्यू गिवन है कितनी, प्लस पाई बाय थ्री, तो ठीक है ना यार, क्या फर्क पड़ता है, करंट के अंदर भी पाई बाय थ्री, आप बोलो ओनली रेजिस्टर है, पूरा फेज सेम है ना, एंगल जो फेज है, क्योंकि ये फेज तो जनरेटर जनरेट करता है, वो जनरेटर ने ओमेगा टी नहीं जनरेट किया, ओमेगा टी से आगे जनरेट कर दिया, उसकी मर्जी है। तो करंट के अंदर तो कोई फेज चेंज नहीं आएगा ना, अगर देखो वोल्टेज में जो मर्जी एंगल हो कोई फर्क नहीं है, हाँ हम लेते हैं वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपने कन्वीनियंस से, कि हम ये मानते हैं कि हमारी सारी कैलकुलेशन साइन ओमेगा टी इजी बनती है, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है, आपकी वोल्टेज सोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका करंट का सोर्स का फेज सेम है, आप फिर ओनली रेजिस्टर है, अगर पाई बाय टू आगे हो गया करंट फिर कैपेसिटर है, और अगर पाई बाय टू पीछे हो गया तो इंडक्टर है। देखो ऐसा नहीं, फाई होता क्या है पहले ये समझ लो, फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो इसमें वोल्टेज का ये फेज है, फेज का मतलब एंगल है, करंट का ये एंगल है, इन दोनों को माइनस करेंगे वो फाई होता है, फाई क्या है इसमें, जीरो, ओनली रेजिस्टर है, ऐसे है। तो वोल्टेज का फेज के पीछे ये वाला इनिशियल फेज नहीं, ये फाई नहीं होता, पूरे का पूरा एंगल में से पूरे का पूरा एंगल जाएगा तो जो आंसर आएगा वो फाई होगा। इसीलिए तो जब हम ये इक्वेशन लेते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट में इक्वेशन लेते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओनली रेजिस्टर में इसमें इसमें माइनस करते हैं तो फाई क्या आता है, जीरो, और जबकि इंडक्टर कैपेसिटर में पाई बाई टू आता है, वो फेज डिफरेंस होता है, ठीक है यहाँ तक? तो मतलब ये कहना सही नहीं है कि अगर वोल्टेज में कोई फेज आ रहा है इसका मतलब कि ओनली रेजिस्टर नहीं हो सकता, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन देके बताया जा सकता है कि वो क्या केस होगा, सिर्फ वोल्टेज की इक्वेशन देख के नहीं बता सकते कि वो ओनली रेजिस्टर या ओनली इंडक्टर है। अगर इक्वेशन गिवन है ना वोल्टेज की, वो रही
क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं है, तो मैंने समझ लिया ये सर बल्ब है, बल्ब तो रजिस्टर का बना हुआ है, ठीक। नहीं तो आप कॉस फाई मांगोगे, उसके लिए फिर आप एल मांगोगे, सी मांगोगे, वो है नहीं, फिर अजम्पशन यही है ओनली रजिस्टर है। ये लो आ गया आपका क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट इज गिवन बाय, तो ई की वैल्यू है 110 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, और करंट की वैल्यू है 5 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6। फाइंड इम्पीडेंस एंड एवरेज पावर। अब ये बताओ कि अगर एवरेज पावर निकालनी है तो एवरेज पावर में फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई, यही फॉर्मूला है। ये आपके पास ई नॉट है तो यहाँ से ई आर एम एस तो आप निकाल ही लोगे, ये लो। ये आई नॉट है, आई आर एम एस यहाँ से निकाल लोगे, ये लो ई आर एम एस, आई आर एम एस आ गया। कॉस फाई, फाई का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब वोल्टेज और करंट में फेज, ये पूरे का पूरा क्या है? वोल्टेज का फेज, ये पूरे का पूरा क्या है? करंट का फेज। और फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस, क्योंकि फाई का मतलब क्या होता है? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो पहले वोल्टेज का फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6। इन्हें माइनस करेंगे, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? पाई बाय 3। तो एवरेज पावर ई आर एम एस हमने निकाल लिया, आई आर एम एस हमने निकाल लिया, कॉस फाई की वैल्यू में कॉस ऑफ पाई बाई 3 आंसर। लेकिन ये याद रहे, जब आप वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस निकालते हो फाई, ये माइनस करना तभी अलाउड है, या तो दोनों साइन में इक्वेशन हो या दोनों कॉस में हो। अगर एक साइन और कॉस है तो मैथ लगा के पहले साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पाई बाई 2 लगा के, फिर दोनों को माइनस करना है तो आंसर आएगा, ठीक है? यहाँ तक ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, इम्पीडेंस निकाल लोगे? इम्पीडेंस कैसे निकलेगी इसमें? इम्पीडेंस, हाँ ठीक है, इम्पीडेंस जेड विल बी इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस, तो जेड की वैल्यू भी आ जाएगी, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, वो ना पेपर में हमेशा आता है इस टाइप का क्वेश्चन, मैं आपको वही बता दूँ, पहले वही करवा दूंगा, ही ना चाहे ये रहा। ये सीबीएसई के अंदर बहुत ऐसे फेमस क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हिंट दे दे के पूछता है वो।
क्या क्वेश्चन है, रजिस्टर आर एंड एलिमेंट एक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले रजिस्टर आर है और एक्स है सीरीज में, द वोल्टेज इज फाउंड टू लीड द करंट इन फेज ऑफ पाई बाय फोर। वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, तो पक्की बात है ये कौन है, इंडक्टर है, क्योंकि इंडक्टर के अंदर वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होता है। अब वो कह रहे हैं इफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय वाई, तो रजिस्टर के साथ अब वाई लगा दिया, वोल्टेज लैग बिहाइंड, पीछे हो गई, तो इसका मतलब पक्की बात है ये कौन है, ये कैपेसिटर है। तो एक बार आर के साथ एल है, एक बार आर के साथ सी है, ठीक है यहाँ तक। तो ये पता लग गया इंडक्टर कैपेसिटर है। आगे पाई बाय फोर फेज डिफरेंस है दोनों केस में, फाई की वैल्यू यानी कि पाई बाय फोर है। आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स एंड वाई, एक आंसर आ गया। नेक्स्ट है व्हेन बोथ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन सीरीज टू आर, यानी कि इंडक्टर कैपेसिटर को आर के साथ लगा दिया, विल द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट बी मैक्सिमम या मिनिमम, ये बताया जाए। चलो एक काम करते हैं, अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया, अगर मैंने कनेक्ट नहीं किया तो ये आर एल सर्किट है, आर एल सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो बोलो क्या होगा, आर डिवाइडेड बाई जेड, जेड का मतलब यहाँ पर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर और एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पाई बाय फोर, आर बाई जेड, पाई बाय फोर का मतलब 45 डिग्री, 1 बाय रूट टू इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, जेड आ गया, जेड होता क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। इस जेड की वैल्यू को यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दें तो आर रूट टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। सॉल्व करना जरा, एक्स एल किसके इक्वल आ रहा है चेक करना, ये बनेगा 2R, 2R स्क्वायर, और ये R स्क्वायर कितना, रूट टू आर, आर, ठीक है, सॉल्व करके आंसर आ गया, संभाल के रखना इसे। अब एक काम करो, RC पे चलते हैं, RC के ऊपर भी पावर फैक्टर एग्जैक्टली क्या है, सेम, R बाय जेड, 1 बाय रूट टू इज इक्वल टू R बाय जेड, तो Z इज इक्वल टू रूट 2R, Z की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। इस Z को फिर से यहां पर पुट करते हैं, एक्स सी किसके इक्वल है, R, ठीक है। अब एक्स एल भी आर है, एक्स सी भी आर है, इसका मतलब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, इसका मतलब रेजोनेंस। एक और ट्रिक रेजोनेंस बताने का, कि अगर फेज डिफरेंस सेम है, पाई बाय फोर पाई बाय फोर, पाई बाय सिक्स पाई बाय सिक्स, तो पावर फैक्टर सेम आएगा, तो इम्पिडेंस एक्सएल एक्सी के इक्वल आएगा, तो रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस बनाने का एक और तरीका, या तो पावर फैक्टर वन है, या फिर करंट मैक्सिमम है, या जेड मिनिमम है, या फिर फेज डिफरेंस पाई बाय फोर पाई बाय फोर आगे और पीछे, तो भी सेम आएगा, तो भी रेजोनेंस हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है इस केस में, कह रहा है क्या ये पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होगी कि मिनिमम, रेजोनेंस पे करंट क्या होता है, मैक्स, तो पावर क्या होगी, मैक्स, तो आंसर मैक्सिमम आंसर है इसका, ठीक है यहां तक। और टेक्निक समझ में आ रही है यहाँ तक कैसे करनी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अच्छा नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन कर लो, टेंथ को।
फाइंड दी वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एल सी आर। देखो तो आसान है, एल पता है, सी पता है, आर पता है और ओमेगा भी पता है, तो क्या निकालना है, टेन फाइव निकालना है। अब देखो टेन फाइव में कह रहे हैं कौन लीड कर रहा है, करंट या वोल्टेज। टेन फाइव निकालने से पहले काम करना पड़ेगा, एक्स एल निकालना पड़ेगा, एक्स सी निकालना पड़ेगा। अगर एक्स एल एक्स सी से बड़ा है तो इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है, तो यानी कि वोल्टेज आगे है, वोल्टेज लीड कर रही है करंट से बाय एंगल ऑफ जो भी एंगल होगा। एंगल क्या कैसे निकलेगा, टेन फाइव एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर के हिसाब से। तो ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे अगर एक्स एल बड़ा एक्स सी से। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक्स सी बड़ा हो जाए एक्स एल से, तो यानी कि कैपेसिटेंस डोमिनेटेड है, तो वोल्टेज ऐसे केस में क्या करेगी, लैग करेगी करंट से, वोल्टेज लैग करेगी करंट से। तो टेन फाइव का फॉर्मूला हम क्या यूज़ कर लेंगे, एक्स सी माइनस एक्स एल बाय आर आंसर। ठीक है यहाँ तक, तो इसमें ये बताना पड़ेगा, डिपेंड करेगा एक्स एल बड़ा या एक्स सी बड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एन इंडक्टर ऑफ अननोन वैल्यू, इंडक्टर का पता नहीं, कैपेसिटेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, ई आरएमएस पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, पावर फैक्टर यूनिटी है। पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब कॉस फाई की वैल्यू वन का मतलब आर बाई जेड इज इक्वल टू वन, तो आर इज इक्वल टू जेड है। कैलकुलेट इंडक्टेंस, तो मेरे ख्याल से हो जाएगी सॉल्व। कैसे, जेड का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस वन बाय सी ओमेगा का होल स्क्वायर। इसमें एल ही तो मालूम नहीं, बाकी सब कुछ मालूम है आंसर। एल निकाल लेना सर, इसे फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला से हो सकते हैं रेजोनेंस लेके, फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी है फॉर्मूला वन बाय टू पाई रूट एल सी। क्या ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है? हाँ आर इज इक्वल टू जेड आ रहा है ना इसमें। हाँ ठीक है, ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है, और अगर रेजोनेंस का क्वेश्चन है तो वन बाय टू पाई रूट एल सी लग सकता है इसमें। लगा के देखें एक बार, मैंने ट्राई नहीं किया कभी। लगाना जरा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, चेक करना जरा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, वन बाय टू पाई रूट एल सी। एक बार चेक करना प्लीज़ कि इसका आंसर और यहाँ से आंसर सेम आ रहा है।
तो सही है, लगा सकते हो, सही है, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक।